व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एंडी क्रिएटर में। मैं हूं आपका अपना अनिल और अब से मैं सिखाने वाला हूं एडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। और जिन्हें पता नहीं है एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्राफिक डिजाइन फील्ड में वर्ल्ड वाइड मेनली जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, उन सॉफ्टवेयर में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, क्योंकि इसका फंक्शन और इंटरफेस बहुत ही सिंपल है और बहुत सारे चीजें इजीली आप इससे क्रिएट कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे डिजाइनर्स यही इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और इसका इंटरफेस बेसिकली सिमिलर टू फोटोशॉप जैसा ही दिखता है। पर यह सॉफ्टवेयर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो वेक्टर और रास्टर के बारे में मैं आपको अलग वीडियो में जरूर समझाऊंगा। अगर आप रियली में ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्टेड हो तो स्टार्ट करने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर बहुत ही बेस्ट है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं विंडोज मेनू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 20 है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये अभी ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होता है इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे नीचे जो ऑलरेडी प्रीसेट ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट्स के लिए दिया हुआ है, वेबसाइट के लिए दिया हुआ है, मोबाइल आइकन्स, मोबाइल ग्राम, बैकग्राउंड्स के लिए दिया हुआ है, वीडियोस के लिए दिया हुआ है और कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो हम सीधा चलते हैं क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो रिसेंट में दिखा रहा है कि मैंने कुछ प्रीसेट्स ओपन किया हुआ है, पास्ट में मैंने जो प्रीसेट्स ओपन किए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं सेव में दिखाऊँ, सेव में अभी यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, आप अगर कुछ टेम्पलेट सेव करके रख सकते हो तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मोबाइल के कुछ फॉर्मेट दिए हुए जो स्टैंडर्ड चलते हैं इंडस्ट्री में, जो ज्यादा यूज करते हैं आर्टवर्क क्रिएट करने के लिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। और यहाँ पे वेबसाइट के लिए भी बड़े साइज से लेके छोटे साइज तक वेबसाइट बनाने के लिए भी फॉर्मेट्स के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। और प्रिंट्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, पर प्रिंट्स में सिर्फ ज्यादा करके डॉक्यूमेंटेशन साइजेस ही दिया हुआ है, जैसे कि A4 साइज, A3, A5, B5, तो ये साइजेस दिए हुए हैं, लीगल पेपर, लेटर पेपर, तो ये सारे डिफॉल्ट साइजेस दिए हुए हैं। और फाइल्स एंड वीडियोस दिया हुआ है यहाँ पे। इस फाइल्स एंड वीडियोस देने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे वीडियोस कुछ क्रिएट कर सकते हो या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड्स या थंबनेल्स वगैरह कुछ क्रिएट करने के लिए यूज करता है आजकल यूट्यूब में, तो वो फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वीडियोस में जो फाइल लगने वाली है उस तरीके के प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, तो वो भी आप वीडियोस अगर एडिट करने के लिए, वीडियोस में अगर कुछ इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसमें भी कुछ प्रीसेट साइजेस दिए हुए हैं, तो ये भी आप जाकर यूज कर सकते हो। जैसे ही अभी हम फिलहाल सिलेक्ट करते हैं वेब, वेब में कुछ प्रीसेट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। वेब लार्ज 1920x1080 का रेशियो जो है वो वाला। और अब मैं यहाँ पे ये सारे प्रीसेट डिटेल्स है, तो ये प्रीसेट्स मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हो, आप फाइल ओपन करने के बाद भी फाइल सेव करते समय नाम पूछेगा तो वहां पे भी दे सकते हो, पर यहाँ पे अगर दोगे तो बहुत ही बेटर होगा, सेव करते समय डायरेक्टली सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे विड्थ और हाइट जो डिफॉल्ट उन्होंने प्रीसेट दिया हुआ है वो साइज है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ साइजेस के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो वेबसाइट में हमेशा पिक्सल्स ही यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं पिक्सल्स ही यूज कर रहा हूँ। पर हम वेबसाइट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पिक्सा है, इंच, फीट और इंचेस में है, यार्ड, ये सब सारे प्रिंटिंग में भी यूज होते हैं, बैनर्स में यूज होता है, पोस्टर्स में यूज होता है, तो वो सारे साइजेस आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली योर रिक्वायरमेंट। और अभी यहाँ पे ओरिएंटेशन भी दिया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन लैंडस्केप सिलेक्टेड है,
अगर मैं इसे पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है। तो उसी तरह से मैं अभी लैंडस्केप भी रखता हूँ, और अभी यहाँ पे आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, अगर आपको एक ही साइज के चार आर्टवर्क क्रिएट करने होंगे तो आप चार आर्टबोर्ड सीधा ले लोगे और ओपन कर लोगे, तो इजीली आप यहाँ पे आर्टबोर्ड नंबर्स ऑफ इंक्रीज करके कर सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ है ये ब्लीड, ब्लीड जो दिया हुआ है वो मैं आपको कुछ आर्टवर्क प्रिंट के लिए करूंगा तभी ही बता पाऊंगा, क्योंकि इस ये ब्लीड जो है वो प्रिंटिंग में ज्यादा यूज होता है, तो ये प्रिंट का कोई आर्टवर्क मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कलर मोड है RGB और CMYK, फिलहाल तो वेब में RGB मोड ही यूज होता है और CMYK मेजरली प्रिंट में यूज होता है। इसके बारे में और भी डिटेल में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा अलग से वीडियो बना के। और अब यहाँ पे रास्टर इफेक्ट दिया हुआ है, फिलहाल तो यहाँ पे स्क्रीन साइज 72 PPI दिया हुआ। PPI का मतलब है पिक्सल पर इंच। तो ये रिजोल्यूशन यहाँ पे जो रास्टर इफेक्ट इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अगर आप वेक्टर में कुछ भी क्रिएट करोगे तो वो पिक्सलेट वैसे भी नहीं होता है, तो ये रिजोल्यूशन आप 72 रखोगे तो भी वो बहुत इनफ है 2D आर्टवर्क क्रिएट करने के लिए। अगर कोई आर्टवर्क क्रिएट करते हो आप, उसमें अगर आप इमेज फोटोज ऐड करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन ज्यादा रखना होगा। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 300 रखिए, और यहाँ पे 150 भी है, 150 भी PPI रख सकते हो, पर मेजर अगर ज्यादा बड़ा होगा आर्टवर्क तो आप 300 रखेंगे तो बहुत क्लियर अच्छी तरह दिखेगा। तो हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो ऑलरेडी हम वही रखते हैं, तो यहाँ पे भी प्रीव्यू मोड जो है वो भी डिफॉल्ट ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें भी पिक्सल और ओवर प्रिंट दिया हुआ, तो ये सारे प्रिंट्स के मेथड है, फिलहाल डिफॉल्ट जो रखेंगे वही रखेंगे। तो इसे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही क्रिएट किया तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन हो गया है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे इतने से ही टूल दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ इतना ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो इंटरफेस ओपन हुआ है वो बेसिक लेवल के डिजाइनर्स लोगों के लिए है, जिन्हें ज्यादा टूल का नॉलेज नहीं होगा तो वो बेसिक बेसिक ये सारे टूल यूज कर सकते हैं, ये सारे बेसिक टूल्स हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी में सारे चीजें आप कुछ भी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे कि अभी और भी आपको बताऊं, अगर आपको यहाँ पे इसमें इसी इंटरफेस को अगर एडवांस लेवल में कन्वर्ट करना हो तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ऑलरेडी प्रीसेट दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर आप जा रहे हो, यहाँ पे एसेंशियल दिया हुआ है, तो एसेंशियल क्लासिक करोगे तो वो एडवांस लेवल का इंटरफेस होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एडवांस लेवल का है, तो देखिए यहाँ पे टूल भी बढ़ गया हुआ है, यहाँ पे इतने सारे टूल्स आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स भी आ चुके हैं जो इजीली बहुत सारा काम आप इजीली कर सकते हो। वही चीज अगर आप एसेंशियल में जाते हो तो यहाँ पे मैं एसेंशियल क्लिक करके आपको बताऊं, तो यहाँ पे एसेंशियल क्लिक करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे आपको इतना ही दिख रहा है। अगर वो आपको पर अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे ही एडवांस करना चाहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कर लेता हूँ, टूल बार में जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये एडवांस जो है ये सेटिंग ऑन करते हैं। तो जैसे मैंने एडवांस सेटिंग ऑन किया तो ये टूल बार इंक्रीज हो गया और बाकी सारे टूल्स भी आ चुके हैं यहाँ पे जो एडवांस लेवल के टूल्स हैं उसी हिसाब से, और पैनल्स भी ऐड करना है तो अपने हिसाब से आप पैनल सिलेक्ट करके, ये सारे पैनल्स हैं तो ये सारे पैनल अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे अलाइनमेंट चाहिए तो मैंने अलाइनमेंट ले लिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मुझे चाहिए कलर तो कलर भी ले लिया मैंने यहाँ पे, तो इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो अभी ये कंबाइन हो चुका है। तो वैसे ऐसे सारे चीजें आप ऐड करके इसे भी अपने इंटरफेस में ऐड करके एक नया वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए अभी मैं और भी इसमें बताऊं ऑप्शन, जैसे कि इलस्ट्रेटर में पूरा इंटरफेस अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये अगर यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं इसे निकाल भी सकता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया इसे। वही चीज अगर वहां पे फिर से ऐड करना हो तो यहाँ पे जैसे आप ड्रैग करते हो इसे यहाँ पे, तो देखिए ये ब्लू वाला कुछ शेड दिखाता है, तो ब्लू शेड दिखाता है इसका मतलब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो ये ऐसे ऐड हो गया है। वही चीज अगर यहाँ पे आपको आपका अगर स्क्रीन बहुत बड़ा है तो यहाँ पे आपको बहुत कंजेस्टेडली छोटा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इसे ये जो एरो दिख रहा हुआ है डबल एरो, तो यहाँ पे क्लिक करते तो ये डबल लाइन में आपको दिखाई देगा और यहाँ पे नीचे के जो ऑप्शन है वो बड़े बड़े दिखाई देंगे।
तो इस तरह से भी आप टूल्स एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे छोटा कर लेता हूँ, तो ये वन लाइन में मुझे अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे भी ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, और भी यहाँ पे स्केल करके छोटा करके। और अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सीधा डायरेक्टली आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे अगर लेके जाऊँ तो यहाँ पे भी ऐड करने का दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो अलग से पैनल में ऐड हो चुका है। वही अगर आपको इसे मिनिमाइज करना हो तो यहाँ पे भी इसे डबल क्लिक करके ये मिनिमाइज हो सकता है, और इसे और भी छोटा करना ऐसे आइकन में आपको दिखेगा। तो इस तरह से इजीली आप पूरा इंटरफेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी वाले जो ऑप्शंस हैं ये आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देना चाहिए, तो वैसे भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप विंडोज में जाते हैं जो एक कंट्रोल है, तो सारे चीज कंट्रोल वैसे भी प्रॉपर्टीज में दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो वो कंट्रोल जो बार है वो ऊपर आ जाता है। वही चीज अगर आपको ये कंट्रोल बार यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको नीचे चाहिए तो आप नीचे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू शेड दिया तो ये यहाँ पे ऐड हो गया है, तो आपको सारे प्रॉपर्टीज नीचे दिखाई देंगे। तो इस तरह से मैं वापस ये इसे यहाँ पे अरेंज कर लेता, तो यहाँ पे ये ऐसे अरेंज हो गया है। ये तो पूरा आपको वर्कस्पेस के बारे में बता दिया कि वर्कस्पेस किस किस तरह से चलता है। और अगर डॉक्यूमेंट को फिर से एडिट करना हो, अगर आपको आर्टबोर्ड चेंज करना हो, वैसे तो प्रॉपर्टी में ऑप्शन दिया हुआ है कि एडिट आर्टबोर्ड करके आप आर्टबोर्ड का साइज फिर से चेंज कर सकते हो। मुझे अगर यहाँ पे कुछ करना है 2000x1000 करना है, तो आप यहाँ से भी प्रीसेट करके एडिट आर्टबोर्ड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप आर्टबोर्ड भी चेंज कर सकते हो, और इसे एग्जिट मोड करना है तो एग्जिट यहाँ पे करेंगे तो एग्जिट मोड हो जाएगा। और भी कुछ सेटिंग करना हो तो और भी आप सेटिंग कर सकते हो। वैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वर्कस्पेस के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको थोड़े से टूल्स के बारे में बता दूंगा जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि और इसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको पेज में जूम इन जूम आउट करना हो तो यहाँ पे आप अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल डाउन या अप करोगे तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसी तरह से स्पेस बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऐसे हैंड टूल से आप यहाँ पे इधर उधर मूव कर सकते हो। और वैसे यहाँ पे इन दोनों के भी टूल अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे नीचे टूल बार में नीचे जूम टूल है और इसके हैंड टूल भी यहाँ पे दिया हुआ है। पर ये मैंने कुछ ऐसे टेक्निक्स दिए हुए जो मैन्युअली यूज करके कर सकते हो। आपको जूम टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अल्ट प्रेस करके भी ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर जूम टूल यूज करते हो, जैसे कि जूम टूल यूज करने के लिए जेड शॉर्टकट है और यहाँ पे क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करोगे तो जूम इन हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। उसी तरह से हैंड टूल का एच हॉट की है और ऐसे ही सिर्फ हैंड टूल आ जाता है, तो उससे अच्छा स्पेस बार प्रेस करके आप यूज कर सकते हो। तो ये आपने जरूर देखा होगा सारे एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि वर्ड या इसी में स्क्वायर 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 शेप्स तो देखा ही होगा बाकी से। तो यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इतने सारे सारे शेप्स है, तो इसे शेप्स को आप ये फिलहाल के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे कुछ शेप आपको क्रिएट करके बताऊं, तो यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक दिखा रहा है, जो आपका स्ट्रोक है यहाँ पे वो ब्लैक है और जो फील है वो व्हाइट है। तो अगर इसका आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, एक तो स्ट्रोक का कलर है, एक फील कलर है। तो ये जो कलर्स है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ कलर्स दिए हुए और कलर जाके चेंज कर सकते हो। मैंने इसे फिलहाल सिलेक्ट नहीं रखा हुआ था, अभी आप इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको और भी कुछ चेंज करना हो तो वैसे भी मैंने पैनल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे पैनल से भी आप कलर चेंज कर सकते हो इजीली। तो देखिए आप कोई भी कलर चेंज करके इजीली आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं और ज्यादा सिखाऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, थोड़ा बहुत आप इस इंटरफेस का नॉलेज ले लीजिए। और हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर से बाकी सारे टूल्स और पैनल्स। तो फिलहाल ये टूल्स का सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे सिलेक्शन टूल कवर करेंगे इलस्ट्रेटर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स को जिन्हें सीखना है इलस्ट्रेटर
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।